अच्छा, ये कच्चा बादाम नहीं, कच्चे मैंगो। शुगर कीस के इसको क्या पूरा। अच्छा, पेप्सी वो जो 1 रुपए वाली मिलती है वो। अरे वाह, सही, कच्चे बादाम वाली। सो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं घर पे पेप्सी। पेप्सी मतलब वो जो 1 रुपए की मिलती थी, तो वो वाली बनाने वाले, जैसे कि हमने वीडियो में देखे, लेकिन वो बनाने वाले हम कच्चा मैंगो की, मतलब कच्चा मैंगो। तो सबसे पहले ला लिया हमने बहुत सारे चॉकलेट्स, तो इसको निकाल देते, इसको पीसना है और फिर देखेंगे कि इसका टेस्ट कैसा लगता है। तो बचपन में हम काफी खाते थे ये, 1 रुपए की मिलती थी। तो अभी देखते घर पे बनती कैसी है और खट्टी मीठी कैसी लगती है घर पे। तो सारे ये कच्चा जो मैंगो है इनको निकाल देंगे और इसका पाउडर बना देंगे। सो गाइस, इसको निकाल लिए, इतनी बनाने वाला हूँ, इसको हम पीस देते हैं और फिर पीसने के बाद इसका बना देंगे पाउडर। सो गाइस, अभी ये पाउडर बना लिए, देखो। ठीक है, अभी इसको हम साइड में रख देते हैं और यहाँ पे एक प्रोसेस करते हैं, जिसपे सबसे पहले हमको लेना है पानी। पानी ले लेते हैं थोड़ा सा, और थोड़ी सी डाल देंगे यहाँ पे शुगर, बस। सो पानी हो गया गर्म, अब इसकी डालने की बारी आ गई, तो इसको डाल देते हैं। देखो, इसको कलर आ गया अभी हरा सा, पूरा डाल देते हैं यहाँ पर और वेट करते हैं इसका थोड़ा गाढ़ा होने का। तो हमको वो वाली पेप्सी तो नहीं मिली, लेकिन हमको ये वाली मिली, तो इसके अंदर का निकालना और इसको भरना है और इसको फिर नॉट कर देंगे। तो इसका निकाल देते हैं ये, और इसमें हमको भरना है ये वाला मिश्रण, तो इसको बंद कर देते। हो गया ये भी। सो अभी ये वाला देखो, ये इसमें डाल देंगे, गड़बड़ हो जाएगा। इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं, थोड़ी देर बाद डालते फिर। चलो अब इसमें भर देते हैं इसको, होममेड पेप्सी बनाते हैं। इतनी भर गई, बड़ा गंदा तरीका लग रहा है भरने का, लेकिन क्या करें, अभी बनाना है, टेस्ट देखना है। तो इसको मैं पूरा फुल कर लेता हूँ, भर लेता हूँ, तो इतनी भर गई है, इसको पूरा फुल करता हूँ। फिर इसको चिपकाने की टेक्निक देखना कैसे करेंगे। सो ये दो बना लिया मैंने, एक और एक, तो भी मोमबत्ती से इसको चिपकाते हैं। ये थोड़ा अनहाइजेनिक तरीका है, तो मैं तो बोलता हूँ ऐसा ना करें, लेकिन हमारे पास अभी ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये चिपक गया लगभग, दूसरा भी वैसे चिपका देता हूँ और फिर रख दूंगा इसको मैं फ्रीजर में। चलो, तो इसको रख देते कुछ देर तक फ्रीजर में। सो गाइस, काफी टाइम हो गया है, और चलिए अभी देखते हैं कि हमारे पेप्सी का क्या हाल हो गया, मतलब जो 1 रुपए वाली पेप्सी हमने जो बनाए थे। ओह माय गॉड, ये देखो तो फूट गई। सो इसको एक्चुअली छोटी है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन सही बनती है। देखो, कलर भी बहुत सही आया है इसका, ये देखो गाइस। चलो इसको टेस्ट करके देखते हैं कि इसका टेस्ट है कैसा करके। सो गाइस, अच्छा टेस्ट आ रहा है, खट्टा मीठा सा टेस्ट आ रहा है, मतलब बाहर से तो अच्छा ही है। अब बाहर पानी कैसा रहता है कैसा नहीं, लेकिन हमने अच्छा पानी यूज़ किया, अच्छा बना। बस वो जो पहले प्रोसेस किए वो नहीं करना, मतलब चिपकाने वाली, ऐसे भी रखे तो भी हो जाएगा, या फिर गांठ बांध लो। सो सही है, खट्टा मीठा लगता है।